हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है वन प्लस टी के बारे में। दोस्तों, अगर आप वन प्लस टी लेने वाले हैं, फिर ले चुके हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपको इस वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, वन प्लस टी की एक्सपेक्ट प्राइस नियर अबाउट 42,000 के आसपास पड़ती। तो वैसे में दोस्तों, आपका फ़ोन आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको पता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा वन प्लस टी के जितने भी पार्ट्स आते हैं, सारे पार्ट्स की आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको बताऊंगा बिना सर्विस सेंटर जाए हुए। दोस्तों, वीडियो को आप पूरी देखेगा तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल करिए, ताकि हमारी हर ऐसी रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ वन प्लस टी के बैटरी डिपार्टमेंट की, जो कि दोस्तों आपको 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी आपको देखने को मिलती है, जो कि एक आज के डेट में अच्छी बैटरी मानी जाती है। बट दोस्तों, हो सकता है इन फ्यूचर कभी किसी कारण फिर किसी रीजन की वजह से अगर आपकी बैटरी बैकअप कम हो जाए, फिर किसी वजह से अगर आप अपनी बैटरी को रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे सर्विस सेंटर पर, तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 1500 के आसपास देने पड़ेंगे, यानी कि 1500 रुपये के आसपास आपको वन प्लस टी की बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। दोस्तों, पे बात करूँ वन प्लस टी के डिस्प्ले डिपार्टमेंट की। दोस्तों, जो कि वन प्लस जाना जाता है अपनी डिस्प्ले और प्रोसेसर के डिपार्टमेंट में, जो कि दोस्तों आपको एक अच्छा डिस्प्ले और प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात करूँ वन प्लस टी की दोस्तों डिस्प्ले की, जो कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोस्तों, हो सकता है इन फ्यूचर कभी किसी कारण फिर किसी रीजन से अगर आपकी डिस्प्ले टूट जाती है, फिर क्रैक हो जाता है, दोस्तों अगर डिस्प्ले डिपार्टमेंट को रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे सर्विस सेंटर पे, तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 13,700 के आसपास देने पड़ जाएंगे। एपिलिक्स 13,700 के आसपास आपको वन प्लस टी की डिस्प्ले डिपार्टमेंट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, अभी बात करूँ वन प्लस टी की दोस्तों बैक कवर की। दोस्तों, बैक कवर हो सकता है बैक कवर आपका ग्लास मिलता है, बट दोस्तों हो सकता है गिरने की वजह से अगर आपका बैक ग्लास टूट जाता है, फिर क्रैक हो जाता है, दोस्तों अगर उसको आप रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे वन प्लस सर्विस सेंटर पे, तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 1100 के आसपास देने पड़ेंगे आपको वन प्लस टी की बैक ग्लास रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, पे बात करूँ वन प्लस टी की, जो कि कैमरे डिपार्टमेंट की। दोस्तों, जो कि आपको तीन कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि मेन कैमरा आपका 48 मेगापिक्सल और दूसरा आपको 16 मेगापिक्सल और जो तीसरा आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का। 48 MP कैमरे में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, अगर उस सेटअप को पूरे चेंज कराने जाएंगे, तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 1850 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों, ये बात दूसरे कैमरे की, जो कि आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है दोस्तों, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उसको चेंज कराने जाएंगे सर्विस सेंटर पे, तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 1000 के आसपास यानी। और आखिरी में दोस्तों, आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उसको चेंज कराने जाएंगे, तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 300 के आसपास आपको वन प्लस टी के 2 मेगापिक्सल के कैमरे की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये भी बात फिर वन प्लस टी के फ्रंट कैमरे की। दोस्तों, अगर फ्रंट कैमरे में अगर आपका कोई प्रॉब्लम आती है, फिर फ्रंट कैमरा अगर आपका डैमेज हो जाता है, अगर उसको आप रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे सर्विस सेंटर पे, तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 1100 के आसपास आपको वन प्लस टी के फ्रंट कैमरे की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, आखिरी में बात करूँ दोस्तों वन प्लस टी के मेन बोर्ड, जो कि मदरबोर्ड। दोस्तों, अगर आपके मेन बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर बाय द वे उसको पूरे सेटअप को चेंज कराने जाएंगे, तो उसका दोस्तों आपको वेरियंट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका वेरियंट 8GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज है, तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 25,650 रुपीज के आसपास आपको वन प्लस टी के रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल करिए, ताकि हमारी हर ऐसी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। प्लस टी के जितने भी मैंने आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको बताई है पार्ट्स की दोस्तों, उसमें सिर्फ आपको पार्ट्स की ओरिजिनल प्राइस है। बट दोस्तों, जब आप सर्विस सेंटर पर जाएंगे, तो वहाँ पे दोस्तों आपसे GST प्लस सर्विस चार्ज अलग से ऐड किया जाएगा। दोस्तों, वन प्लस की एक आप खास सर्विस है कि दोस्तों आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन को या फिर रिपेयर अपने फ़ोन को रिपेयर करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही।